नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों, मेरी पहले वाली वीडियोस में क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा प्राणायाम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कपालभाति प्राणायाम पहले करना है और उसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के जानते हैं कि इन प्राणायाम को किस तरह से करना है, और अगर आप इनके डिटेल बेनिफिट्स भी जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। आपको आलती पालती मारकर आराम से बैठना है और आपको अपनी कमर को स्ट्रेट रखना है, एकदम सीधा रखना है। आपको अपने शोल्डर्स जो है आपके वो भी स्ट्रेट रखने हैं। और अब आपको क्या करना है कपालभाति करने के लिए, आपको सांस को नाक से थोड़े प्रेशर वाले वे में बाहर निकालना है, बाहर की तरफ थ्रो करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूं, आप देखिए। आपको इसे करने के लिए एक योगा मैट परचेज करना होगा, क्योंकि इसे डायरेक्टली जमीन पे बैठ के नहीं किया जाता है। तो आपको पेट जबरदस्ती अंदर नहीं लेके जाना है। जब आप नाक से सांस को बाहर निकालेंगे तेजी से, तो आप देखेंगे कि पेट अपने आप अंदर की तरफ हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप नया नया इसे शुरू करेंगे, तो आपको इसे आराम से करना है। आपको बिल्कुल भी अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है कि आप इमीडिएटली इसको बहुत प्रेशराइज्ड वे से कर रहे हैं। आपको बड़ा धीरे धीरे से इसे करना है। जब नए नए करेंगे तो आपको इसे ऐसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं और जानिए मेरे साथ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पे भी आप प्राणायाम कर रहे हैं वहां पे ताजी हवा होनी चाहिए, ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण होना चाहिए आपके आसपास का। ये नहीं कि आप पॉल्यूशन वाले एरिया में बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं। ट्राई करिए कि आप किसी पार्क में जाके प्राणायाम करें या फिर आप खुली और ताजी हवा में बैठ के प्राणायाम करें। और सबसे अच्छा समय रहता है एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग का, उस समय पे आप जाके प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत भरपूर मात्रा में इसके बेनिफिट भी मिलेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले आप अपनी जो आपका बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा, आपको स्ट्रेट बैठना है। आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से बैठी हूँ, और इस प्रकार से आपको बैठना है। आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। इसकी विधि बहुत सिंपल है। आपको राइट नोस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद कर लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको सांस इनहेल करनी है। इनहेल करने के बाद आपको तीसरी उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लेना है और राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर कर देनी है। अब आपको राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस एक्सहेल कर देनी है। ये है इसे करने की सही विधि। आप इसका एक सही पैटर्न होता है कि आपको 2.5 सेकंड में सांस लेनी है, इनहेल करनी है, और 2.5 सेकंड में ही सांस निकालनी है। और ऐसे जो पूरा सेट बनता है तो 5 मिनट तक किया जाता है। तो जब आप 5 मिनट तक इस प्रकार से करेंगे तो आपका एक सेट अनुलोम विलोम का हो जाएगा। तो जब आप नए नए शुरू करते हैं तो आप 2 से 3 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। मतलब कि 2 से 3 मिनट तक आप 2.5 सेकंड तक सांस लीजिए और 2.5 सेकंड तक सांस निकालिए। तो ये इसको करने का सही मेथड है। एक्सपीरियंस हो जाए तो आप इसे 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, यहाँ तक कि आधे घंटे तक भी आप इसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।